कानपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया जिसमें मुस्लिम युवक ने एक नहीं बल्कि कई हिंदू लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। पीड़िता आरोपी को सजा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से कानपुर पहुंची। आरोपी पीड़िता को जाकिर नाइक और बगदादी के वीडियो दिखाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाता था। मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कानपुर के जाजमऊ में रहने वाले दानिश अली मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने इंदौर में तैनाती के दौरान खुद को हिंदू बताकर युवतियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इंदौर से आई दो युवतियां इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। आरोपित ने एक से शादी की और दूसरी से सगाई कर ली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रहने वाली युवती ने फार्मा कंपनी से दवा मंगाई थी। इसके बाद दानिश ने उसे अपना नाम जान सलूजा बता उसे दोस्ती कर ली, जिसके बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा। 31 अगस्त 2009 को कानपुर लाकर आर्य समाज से शादी कर ली। उसी रात उसने अपनी असलियत बताई, दबाव बनाकर अगले दिन निकाह किया। इसके बाद आरोपित कभी भोपाल, इंदौर तो कभी कानपुर में रखता था। इस बीच वह गर्भवती हुई तो जबरन गर्भपात करा दिया, विरोध पर मारपीट की और तलाक देकर घर से निकाल दिया। इस बाबत युवती ने इंदौर महिला थाने व कानपुर चकेरी थाने में मुकदमा लिखाया था। पीड़िता का आरोप है कि दानिश उसे जाकिर नाइक और बगदादी के वीडियो दिखाकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाता था। 2016 में उसने सगाई कर ली और शारीरिक शोषण करने लगा, लेकिन जब दीपावली पर किसी काम से उसका बैग देख रही थी तो उसमें दानिश नाम की आईडी मिल गई, तब असलियत का पता लगा। वह कहता था कि वह मूल रूप से मेरठ का है, पिता हिंदू व माँ मुस्लिम है। फरवरी 2019 में उसने शादीशुदा व मुस्लिम होने की बात कहकर शादी से इनकार कर दिया। धर्म छिपाकर युवतियों को बरगलाना और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए संगठित गिरोह काम कर रहे हैं ऐसे में आरोपी के ऊपर कठोर कार्रवाई के साथ ही इसे रोकने के लिए कारगर रणनीति तैयार करनी चाहिए। कानपुर से जनमत न्यूज़ के लिए पैच। ये तो पुलिस को मालूम करना चाहिए ना, उसको हमने 10 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, इंदौर में भी कई बार की है, इधर भी की है, पुलिस उससे पूछती ही नहीं, उसको छोड़ देती है, कई बार बोला है पूछा जाए। जाकिर नाइक को बगदादी का वीडियो दिखा के आपको किस तरह दबाव में लेता था कि क्या कबूल करो, इस्लाम कबूल करो? कौन कहता था इसके परिवार में? अपने घर वालों को इस्लाम कबूल करवाओ। इसका घर वाले भाई बोलता था, बहनों ही बोलता था, मम्मी पापा सभी, पूरा घर भरे, पूरा परिवार। आप तो कानपुर से जनमत न्यूज़ के लिए शिवम तिवारी की खास रिपोर्ट।